अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके यूपी बीटीसी डीएलएड एडमिशन 2019 में। एडमिशन के समय इतने डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्लीज एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों लीजिए, आपके लिए एक वीडियो आ गई है। तो इतनी चीजें दोस्तों आपके पास कम से कम होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में हम समझा देंगे कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए एडमिशन के समय। तो दोस्तों एक चीज और, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो पहले चैनल को आपको क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको। और उसके नीचे एक बेल आइकन होगा, उसको ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस चीज की जानकारी हो सके। तो सबसे पहले दोस्तों रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यूपी डीएलएड बीटीसी 2018। जी हां दोस्तों, जब पिछली बार आप लोग की जो हुआ था एडमिशन हुआ था लास्ट समय पिछली बार, तो उसमें क्या क्या लगा तो वो चीज देख लेंगे दोस्तों। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि 2019 में क्या क्या लगेगा। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी कैरीड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में हम आपको दोनों तरह से एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और हार्ड कॉपी। जी हाँ, आपको एक हार्ड कॉपी चाहिए होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, फी पेमेंट स्लिप चाहिए होगा जो पैसे आपने कटवाए, फाइनल कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, जो फाइनल कॉपी आपने था रजिस्ट्रेशन का और फीस सबमिशन का। उसके बाद दोस्तों इन एनी करेक्शन इज डन फिलिंग अ फॉर्म देन कॉपी ऑफ रिवाइज फॉर्म। दोस्तों ये पिछली बार था भाई, इस बार रिवाइज, इस बार ऑनलाइन करेक्शन आने वाला नहीं है, तो इस बार हमें ये नहीं करना होगा, ये स्टेप दोस्तों इस बार हमारा नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, पिछली बार कितना अच्छा था कि यार करेक्शन आ गया था, इस बार बच्चों ने काफी गलतियां की है। सभी बच्चे बोल रहे हैं सर हमसे मार्कशीट नंबर भरने में एक नंबर गलती हो गई, या किसी का रोल नंबर गलत हो गया, किसी का रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर दोनों पड़ गया है। तो देखिए एक टाइम में आप एक ही डाल सकते हैं, या तो रोल नंबर या तो इनरोलमेंट नंबर। तो बच्चों ने इस बार छोटी छोटी काफी मिस्टेक्स कर रखी हैं। तो दोस्तों उनका कहना है कि अब क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस बार क्लियर लिखा है आपके, जब आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें अगर किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे और फॉर्म आपका निरस्त भी हो सकता है। देखिए कि याद रखिए, जब आप लोग नंबर भरते हैं हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, स्नातक की जिसके बी ए बी एस सी करते हैं, अगर दोस्तों आपने हाई स्कूल में 600 में से मान लेते अगर आपके 500 नंबर आते, इंटर में 500 में से 400 नंबर आते और ग्रेजुएशन में 1800 तो मान ले रहे हैं, 1800 में आपके 1200 नंबर आते, ठीक है, ये होगा तरीका। अगर दोस्तों आप लोग गलती से क्या करते हैं कि 500 की जगह गलती से आपका हो गया 510 नंबर, यहाँ 400 की जगह दोस्तों 405 नंबर हो गया, या 401 नंबर हो गया, यहाँ 1200 कुछ भी हो गया, मतलब एक जगह भी अगर आप गलती करेंगे तो दोस्तों ये जो नंबर होती है ना, इस नंबर से आपकी एक मेरिट बनती है, उसी मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा कि प्राइवेट, ये निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर आप यहाँ पर गलती करते हैं, मतलब यहाँ पर नंबर अगर आप ज़्यादा डाल देते हैं तो हो सकता है आपको डायरेक्ट कॉलेज मिल जाए, लेकिन लेकिन दोस्तों ये फॉर्म को निरस्त भी किया जा सकता है जब वहाँ पर चेक किया जाएगा कि आपने गलती से या जानबूझ के आपने जैसे भी नंबर आपने गलत क्यों डाला, तो इस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप ये सब गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा कि जितने नंबर पा रहे आप लोग नंबर ज़्यादा डाल दें, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला, याद रखिएगा। अब फिर उसके बाद दोस्तों कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा। तो जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो उसका एक अलॉटमेंट लेटर आएगा, जिसमें आपको कुछ फी पेमेंट करनी होगी काउंसलिंग के बाद, जो आप कॉलेज चूज करेंगे, जैसे डायट अगर वो मिलता है तो अलॉटमेंट लेटर। हाई स्कूल की मार्कशीट दोस्तों चाहिए होगा। देखिए पहले में दोस्तों आपका सर्टिफिकेट नंबर, आजकल की जो मार्कशीट आती है उसमें सर्टिफिकेट नंबर के साथ होता है और पुराने मार्कशीट में अलग अलग होता था, तो पुराने में दोनों चाहिए होगा, जो लेटेस्ट आ रही है उसमें एक ही चाहिए होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या चाहिए होगा, 12th पास मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, इंटर पास मार्कशीट चाहिए होगा, ग्रेजुएशन मार्कशीट फॉर ऑल सेमेस्टर। जी हाँ देखिए दोस्तों, आजकल की जो लेटेस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीटें आ रही है दोस्तों, इसमें फाइनल ईयर की जो रिजल्ट आता है उसी में सब कुछ इंक्लूड होता है, लेकिन जो पिछले वर्षों में आता था वो अलग अलग आता था। तो आपके पास जो भी हो, अगर पिछले वर्षों का हो तो पिछले वर्ष का आप लोग अलग अलग लेके आएंगे, अगर आपके पास एक में सब जैसे एक ही टी में अप कर दिया बीटेक वालों ने, एक में सारी मार्कशीट आने लग जाएगी तो वो एक में करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या चाहिए होगा, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होगी, आपको डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है, अगर आप एस सी कोटा में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एसटी में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ओबीसी, एससी और एक एसटी में आते हैं, दोस्तों देखिए है क्या ये, अगर आप इन तीन कैटेगरियों का अपना लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कुछ बच्चों के नंबर 210 नंबर आ रहे हैं टोटल मिला के, मेरिट बन रही है, अगर वो एससी से आते होंगे तभी उनको डायरेक्ट कॉलेज मिल पाएगा या सरकारी कॉलेज,
या एसटी से आएंगे तो मिल पाएगा। अब दोस्तों वो ओबीसी जनरल से अगर मान लेते वो एससी के बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप एससी कैटेगरी के, अगर आपके पास उस समय कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे बताइए? तो आपको जनरल से काउंसलिंग करानी पड़ेगी और हो सकता है आपको सरकारी कॉलेज मिले भी ना, क्योंकि सरकारी कॉलेज की मेरिट 210 नंबर तो नहीं जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों पिछली बार आपको 5 कलर फोटोग्राफ लगे थे, तो पासपोर्ट साइज दोस्तों कुछ फोटोज रख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद दोस्तों आपके लिए चाहिए होगा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो मेडिकल सर्टिफिकेट, और उसके बाद दोस्तों 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट सर्टिफाइड बाई गैजेटेड ऑफिसर ये चाहिए होगा दोस्तों। डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ये दोस्तों, जैसे अगर आपने पिछली बार दोस्तों हो रहा था कि 5,000 रुपये आपने सीट लॉक के समय दे दिया था, जैसे 5,000 रुपये आपने सीट लॉक करते समय दे दिया तो रिमेनिंग अमाउंट मतलब दोबारा जो दोस्तों आपकी डीडी लगेगी टोटल फीस 41,000 होती है, यहाँ पर आपको 36,000 पेमेंट और करना पड़ेगा, तो ये होगा आपका 41,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेते हैं, अगर दोस्तों आप लोग सरकारी कॉलेज लेते हैं तो 5,200 रुपये और देने पड़े, क्योंकि उसकी फीस होती है 10,200 रुपये सरकारी कॉलेज को, उसके हिसाब से 5,000 आपने पहले दे दिए तो 5,200 रुपये बाद में आपको देने पड़ेंगे, तो ये रहेगा तरीका। उसके बाद दोस्तों एक आधार कार्ड आपका पिछली बार मांगा गया था और एक एफिडेविट शपथ पत्र, तो इतनी चीजें दोस्तों पिछली बार लगी थी आपकी, और हो सकता है इस बार कुछ चीजें आएंगी ऑफिशियल आ जाएगा दोस्तों तो आपको हम एक और अपडेट दे देंगे। ये पिछले बार का था, हमने सोचा कि आप लोग को बता दें कि आप लोग इतनी चीजें तैयार रखना चाहिए, अगर आपके पास कोई चीज ना हो तो उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों इसी को हिंदी में देख लेते हैं कि यूपी डीएलएड एडमिशन के लिए जरूरी सर्टिफिकेट की सूची क्या क्या है। ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म हार्ड कॉपी चाहिए होगा, शुल्क भुगतान पर्ची चाहिए होगी, पंजीकरण और शुल्क जमा करने की अंतिम प्रति चाहिए होगी, किसी भी सुधार में संशोधित रूप की प्रति की तुलना में फॉर्म भरना किया जाता है। दोस्तों ये था जब ऑनलाइन करेक्शन था पिछली बार, इस बार ये नहीं है तो ये आप नहीं कर पाएंगे। अगला क्या है, आवंटन पत्र की प्रति मतलब कॉलेज अलॉटमेंट, उसको दोस्तों चाहिए होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए होगा, इंटर की चाहिए होगा दोस्तों, सभी सेमेस्टर के लिए स्नातक अंक प्रमाण पत्र चाहिए होंगे, जी हाँ दोस्तों ठीक है, स्नातक की डिग्री चाहिए होगी आपके पास। अगर वो नहीं आते दोस्तों तो आप लोग कॉलेज से जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट करके कुछ बनेगा उसे बनवा लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं, जैसे आपने बीएससी कर रखा है ये सब डिग्री तो तुरंत मिलती नहीं है, तो उससे भी आप काम चला पाएंगे ठीक है। और अधिवास मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, श्रेणी प्रमाण पत्र मतलब आप किस वर्ग से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी या जनरल, 5 रंगीन तस्वीरें, चिकित्सा प्रमाण पत्र जी हां दोस्तों, राज पत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित 2 वर्ग प्रमाण पत्र चाहिए हो दोस्तों, शेष राशि की मांग ड्राफ्ट मतलब वही डिमांड ड्राफ्ट दोस्तों जो बच रहा था पैसा, आधार कार्ड और शपथ पत्र, इतनी चीजें दोस्तों आपको चाहिए होंगी। तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे कि एडमिशन अब कराना है आपको तो इतनी चीजें कम से कम होना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे कि किस कट ऑफ पर आपको सरकारी कॉलेज मिल पाएगा। देखिए जरूरी होता है दोस्तों कि हर दिन क्या हो रहा है, दोस्तों देखिए हर दिन अलग अलग कट ऑफ आपको इसलिए देखने को मिलती है, हर दिन जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, किसी दिन 100 रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किसी दिन 10,000 हो रहा है, तो अगर बच्चे बढ़ेंगे तो कट ऑफ भी बढ़ेगी, याद रखिए सिंपल सा एक फंडा है, बच्चे बढ़ेंगे नंबर बढ़ेगा तो सभी लोग चाहेंगे यार उनको सरकारी कॉलेज मिले। देखिए आज के दिन हर एक लड़की, जितनी भी गर्ल्स आती है ना लड़की, तो वो सरकारी कॉलेज ज्यादा डिमांड करती है, क्योंकि और जो बॉयज होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं, अगर उनके पास जैसे बीटेक की डिग्री लेके बैठे हैं लड़के तो वो यार चाहेंगे नौकरी भी हो जाए साथ साथ और थोड़ी बहुत बीटीसी भी हो जाए, तो वो दोनों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो ये सब होता है उसमें एक टाइम में आप एक कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ठीक है तो बच्चे करते हैं कोशिश करते हैं, इसलिए कह रहे हैं दोस्तों जो गर्ल्स की कट ऑफ जाती है वो जल्दी उनकी मेरिट डाउन नहीं होती है, और बॉयज़ की मेरिट हो सकता है कभी कभी, क्योंकि सीट दोस्तों डिवाइड करके दी जाती है तो लगभग सबका कोटा समान होता है, इसलिए सबकी मेरिट भी अलग अलग बन जाती है कभी कभी, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों जो जनरल के एक्सपेक्टेड मेरिट आज की डेट में बन रही है वो दोस्तों आपके 225 से लेकर 240 के बीच में बन रही है, और दोस्तों जो ओबीसी के एक्सपेक्टेड मेरिट बन रही है इस समय 220 से लेकर 240 तक के भी जा रही है। देखिए दोस्तों ओबीसी और जनरल इनमें बच्चों की संख्या में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, आज की डेट में आपको पता होगा दोनों में बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है, ओबीसी के बच्चे भी काफी ज्यादा है और जनरल के बच्चे भी काफी ज्यादा है। अब बात आती है एससी कैटेगरी में, देखिए एससी कैटेगरी में थोड़ी मेरिट डाउन हो सकती है, और ये मेरिट दोस्तों आपके 200 से लेके 230 अंकों तक जा सकती है, और दोस्तों एससी कैटेगरी की बात कर ले यही तो हम 190 से मार्क्स की कट ऑफ लेके 220 अंक तक जा सकती है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में फिजिकल हैंडीकैप आता है हमारा, तो फिजिकल हैंडीकैप की जो हमारी मेरिट जा सकती है एक्सपेक्टेड है वो 180 से लेकर 210 नंबर तक, तो ये दोस्तों मेरिट का कुछ आंकड़ा रहेगा, ऐसी कुछ मेरिट आपको देखने को मिलने वाली है कुछ ही समय में,
तो तैयार हो जाइए दोस्तों आप डीएलएड करने के लिए। देखिए आपको डीमोटिवेट नहीं होना है अगर आपसे बीएड छूट गया। देखिए बीएड अच्छा था, हम नहीं कह रहे कि बीएड बुरा ऑप्शन था, लेकिन अब आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। कभी कभी होता है ना इधर कुआं उधर खाई, अब आपके पास ऑप्शन कुछ है ही नहीं। तो आप कोशिश करिए कि चलिए आप डीएलएड कर लेते हैं, एक साल बर्बाद करने से अच्छा रहेगा डीएलएड करना, क्योंकि आने वाला समय किसी को नहीं पता। अगर अगले साल दोस्तों 4 साल का बीएड हो गया तो आप लोग ज्यादा परेशान हो जाएंगे, ना तो इधर के ना तो उधर के। तो करते रहिए दोस्तों, अगर आप लोग इस बार सरकारी कॉलेज लीजिए, अगर आपको लगता है कि यार एक साल में हम छोड़ के फिर से बीएड में अप्लाई कर सकते हैं तो बीएड में भी जा सकते हैं आप लोग। कोशिश करिएगा बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देखिए उधर बीएड कर लीजिएगा, मतलब इधर छोड़ के या जैसे भी आपका मैनेज हो पाए। तो अभी आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। काफी बच्चे कह रहे थे सर हम बहुत कंफ्यूज हैं, मेरे सारे दोस्त बीएड करने जा रहे हैं, हम क्या करें, हम फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी कारणवश। तो दोस्तों आप नहीं भर पाए तो डीएलएड भी एक अच्छा विकल्प है। देखिए याद रखिए अगर आपको सिर्फ सहायक अध्यापक बनना है, असिस्टेंट टीचर बनना है दोस्तों, तो उसके लिए इससे अच्छा ऑप्शन आज की डेट में कुछ नहीं है। मतलब आपके यहाँ पर आसानी से बीटीसी में 90% तक आप स्कोर कर पाते हैं अधिकतर बच्चे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल के नंबर अच्छे होते हैं। 90% का मतलब होता है सीधे 9 अंक गुणांक होता है आज की डेट में। और दोस्तों जो बच्चे बीएड चाहते हैं वो 70% से ज़्यादा नहीं बना पाते, तो 70% का मतलब होता है 7 गुणांक। तो दोस्तों आप लोग सीधे सीधे यहाँ पर 2 गुणांक आगे रहेंगे, तो 2 नंबर आगे होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। जब बात लाखों बच्चे कंपटीशन में होंगे तो वहां पर ये 2 नंबर की वैल्यू दोस्तों आपको तब समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको अपने आप को भी मोटिवेट रखना है और ये 2 अंक के साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों और भी अपडेट्स आपको मिलेगी, फिलहाल अगर आपको कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।